अच्छा कहा, अब तो आजकल गुजरात में तो एक नया मॉडल चल रहा है, शाहजादा मॉडल, जय शाह मॉडल। काश मीनाक्षी जी, एक साल में 16,000 गुना व्यापार कैसे बढ़ेगा? अमित शाह जी और आप और आदरणीय मोदी जी वो मॉडल सूरत के उस लुटे हुए व्यापारी को, मोरबी और अलंग के व्यापारी को, राजकोट के व्यापारी को भी बता देते तो वो भी अरबोपति बन जाता गुजरात का साधारण आदमी। गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, आपने कहा तो सीएजी जिसको आप सर्वमान्य मानते हैं, उसने लिखकर कहा गुजरात में, आपकी सरकार की रिपोर्ट है, 20,000 करोड़ का घोटाला प्रधानमंत्री जी की नाक के नीचे हुआ। आपने गैस खरीद ली, कहा मोदी जी कहते थे 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मैंने पाई है, टूंटी खोलोगे तो गैस निकला करेगी, आज तक एक फुट गैस भी वहां से आई नहीं, 20,000 करोड़ गुजरातियों का डूब गया। अब आप उसे ओएनजीसी को बेचकर अपना पिंड छुड़ा रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि 3,00,000 करोड़ का माइनिंग घोटाला राजस्थान में हुआ? क्या ये सच नहीं कि ललित मोदी के अकाउंट से आपकी राजस्थान की मुख्यमंत्री के अकाउंट में मॉरिशस के रूट से पैसे आया? क्या ये सच नहीं कि अभिषेक सिंह जो आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, उनके फॉरेन बैंक अकाउंट्स पकड़े गए, इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट ने पकड़े? क्या पीडीएस घोटाला 36,000 करोड़ का आपके शासन में छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ? क्या डॉक्टर रमन सिंह और उनकी धर्मपत्नी का नाम उन डायरियों में नहीं लिखा हुआ? क्या ये सच नहीं कि अनेकों घोटाले जो हो रहे हैं आपकी सरकार में, राफेल अकेला जहाज जो देश का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है, 526 करोड़ का जहाज जो आ रहा था आप 1570 करोड़ में खरीद रहे हैं, परंतु जवाब नहीं देंगे क्योंकि राजनाथ जी कहते थे, सरदाना जी, राजनाथ जी ने सही कहा था, भाजपा में हम जवाब नहीं देते, न हम किसी का इस्तीफा लेते, न जुम्मेवारी करते हम जो अब मोदी भय कोतवाल तो डर का है का?